नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और इस वक्त हम मौजूद है एकलव्य आदर्श विद्यालय कालसी में। चंद दिनों पूर्व आपने देखा होगा इसी एकलव्य आदर्श विद्यालय के जब परिणाम घोषित हुए थे बोर्ड के, तो कहीं बच्चे टॉपर्स निकले हैं, अच्छी श्रेणी से पास हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जिन बच्चों की भविष्य बनाने के लिए दिन रात जिन शिक्षकों ने एक किया था, आज वो शिक्षक आज इसी एकलव्य के बाहर मुख्य प्रांगण में धरने पर बैठे हुए हैं। समझने में ये नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई है कि जो कल तक जो शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे, आज उन्हीं शिक्षकों को एकलव्य की जो समिति है उसके द्वारा इनको कहीं ना कहीं कार्य मुक्त किया जाता है। हालांकि सभी शिक्षक सुविधा बेस पर थे, कोविड काल से पहले के थे, कुछ लोग 8-10 साल से भी हैं। अब समझने वाली स्थिति ये है कि अभी हमने जो यहाँ के अभी प्रिंसिपल महोदया है या यहाँ पर जो कार्य पर अभी कार्यप्रभार संभाल रही है शशिकला जी, उनसे भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। उनका स्पष्ट कहना है कि उनके द्वारा उनके लिए जो सेंट्रल की समिति या स्टेट की समिति है एकलव्य से जुड़ी हुई, उनके जो आदेश है वही वो कह रही है, वही उन्होंने आगे लागू किए हैं। और अभी तक इनका जो जो कार्यकाल था वो शायद जून या मई लास्ट तक का था, अब वो कार्य मुक्त हो गए हैं, वही हमने आदेश किया, क्योंकि नए शिक्षकों का चयन हो चुका है। वो कभी भी यहाँ पर अपने रूम्स वगैरह देखने के लिए आ सकते, तो उनके वो खाली चाहिए। प्रश्न ये उठता है, मेरे पास ये दो चीज़ें आप देख रहे होंगे, इससे पूर्व भी शायद ये कोर्ट में गए थे। जब कोर्ट में गए थे तो कोर्ट के द्वारा भी एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है जो सेंट्रल की समिति है एकलव्य की, कि भाई एकलव्य सेंट्रल समिति इनको जो किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगी। उसके बाद एक कॉपी और है, ये स्टेट की जो समिति है उसकी है। इस स्टेट की समिति में भी ये कहीं ना कहीं दर्शाया जाता है कि ये जो शिक्षक है इनको जो है आगे रेगुलराइज करने की भी संभावनाएं हैं, ऐसा हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जब 10 से 12 साल कुछ शिक्षकों को यहाँ हो चुके हैं, आज उनका रोज़गार इनसे छीना जा रहा है। अर्थात एकलव्य आदर्श विद्यालय के भीतर जो सुविधा पर शिक्षक थे वो आज धरने पर बैठे हुए हैं। मैं कहीं शिक्षकों की कोशिश करूँगा जानने की कि आखिर कोर्ट के जो ये आदेश है उसके बावजूद भी। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानिए। मेरा नाम सुनील सजवान है और मैं प्रवक्ता जीव विज्ञान के पद पर यहाँ पर कार्यरत हूँ 2016 से। सजवान जी, जहाँ तक अंदर मैडम ने बताया है कि जो अभी तक का जो आपका कार्यकाल था वो समापन है, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि उनको जो समिति के आदेश आए थे उसका आदेश के अनुसार जो है आप कार्य मुक्त हो चुके हैं। लेकिन आपके पास जो आदेश मैं देख रहा हूँ कोर्ट के भी है, ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि कोर्ट ने आपको एक आश्वासन दिया था, कमेटी को भी एक कहीं ना कहीं बताया गया था कि इसमें डिस्टर्बेंस ना किया जाए, उसके बावजूद ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, हम सब संविदा शिक्षक हैं, ये बात सत्य है, और हम बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं, और जिसका परिणाम था कि इस विद्यालय ने नई ऊंचाइयों को छुआ। और इसी को देखते हुए जो इस विद्यालय का संचालन करने वाली राज्य में समिति है, एकलव्य विद्यालय संगठन समिति उत्तराखंड, उसने अपनी बैठक में ये निर्णय लिया कि इन सभी शिक्षकों को, संविदा शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, रेगुलर किया जाएगा, और उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी जो इस काम को करेगी तुरंत। 2021 का ये निर्णय था, लेकिन आपसी विवादों की वजह से या और किसी कारणों से जो हम तक नहीं आए, क्योंकि हमारा काम सिर्फ शिक्षा देना था बच्चों को, जो हमने किया, और उन्होंने इस काम को लटकाए रखा और ये काम को अंजाम नहीं दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो केंद्रीय समिति है उसने 2023 जुलाई में एक नोटिफिकेशन जारी करके नियमित शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए नोटिफिकेशन कर दिया, जिसके अगेंस्ट फिर हम कोर्ट में गए और कोर्ट ने भी इस बात को माना कि जब इनका रेगुलराइजेशन के लिए ऑर्डर बैठक में नियमित निर्णय लिया जा चुका है तो इस पर आगे कार्यवाही की जानी चाहिए, और उन्होंने इस भर्ती पर स्टे लगा दिया। उस स्टे के अगेंस्ट फिर नेस्ट ने अपना शपथ पत्र दिया कि हम इन शिक्षकों को नहीं छेड़ेंगे, हमारी भर्ती प्रक्रिया कहीं भी इनके पदों पर नए शिक्षकों को नहीं लाएगी। और इसके साथ नेस्ट को भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का निर्णय दिया कोर्ट ने, पर एक बात कही कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो अभी इस कोर्ट केस के अधीन रहेगी, और वो कोर्ट केस अभी भी गतिमान है जिसकी अगली सुनवाई 18 जून को होनी है। लेकिन इन सब के बावजूद एक मिली भगत के करते हुए समिति ने नेस्ट के साथ मिलकर हम सबको मतलब अंधेरे में रखा। 29 तारीख को जब हम मिले थे तब तक भी हमें आश्वासन दिया गया कि वही काम हो रहा है, आपके लिए ही हो रहा है और बेस्ट होगा, लेकिन हम सबको अंधेरे में रखते हुए 30 तारीख को एक ऑर्डर जारी कर दिया गया कि आप सबकी सेवा समाप्त की जाती है, जो कि एक तरफ देखा जाए तो हमारे साथ भरोसा दिया उसका खिलवाड़ है, दूसरा कोर्ट का जो जहां उन्होंने अपनी बात को माना उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से
हमारे साथ की अवमानना है और कहीं ना कहीं एक तानाशाही की तरह आदेश निकाल देना, ये तक एक इंसानियत का तकाजा होता है कि जिस व्यक्ति का यहाँ से रोजगार जुड़ा हुआ है, उसका एक परिवार है, उस परिवार का लालन पालन के लिए आगे उसके सामने कई तरीके के संकट पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसको शायद ध्यान में न रखते हुए सीधा आदेश जारी कर दिया जाता है कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है। खैर, ये उनको सोचना चाहिए था कि यदि इस तरीके का कोई आदेश था भी तो कम से कम इनको समय रहते हुए सूचित तो कर देना चाहिए था। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मेन सामने आ रही है, कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। इन्हें आश्वासन दिया जाता है कि इनके कार्य को इनको डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा। दूसरा, स्टेट की जो कमेटी है वो बताती है कि रेगुलाइज करने का भी प्रयास किया जाएगा, लेकिन शायद वो तब तक था जब तक यहाँ पर इनकी जगह कोई खड़ा नहीं था शिक्षा देने के लिए। आज जब विकल्प तैयार हो गया तो इनका महत्व जो है कहीं ना कहीं खत्म हो गया। मेरे साथ सर, ये एक संकट सा पैदा हो गया है आप लोगों के सामने, क्या कुछ लग रहा है आगे किस तरीके से इस लड़ाई से लड़ेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम सरजू कुमार है और मैंने उत्तराखंड टॉप भी किया है कला के क्षेत्र में कई, और इस विद्यालय को जैसे ही मैं आया, मैंने पहले ही बार में ही इस विद्यालय को पूरे देश में मेरे द्वारा पहचान बनी, और आज मैं और मेरे साथी इस कदर पर आ गए हैं, इस दौर पर आ गए हैं कि हम लोग अब कहीं के नहीं रहे। कोर्ट की अवहेलना तो हुई और मेरे जैसा दिव्यांग व्यक्ति, जिसके मेरे 4 बच्चे हैं और 3 वृद्ध माता पिता है, जिनका पालन पोषण मेरे ही द्वारा होता है और इस नौकरी के द्वारा, अब मेरे बच्चों के मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे, यदि मेरी ये समय पर सरकार ने या हमारे जो समिति है अगर हमारा साथ कुछ यानी हमें रेगुलर नहीं करती है, तो अभी तो मैं सिंपल हम लोग शांतिपूर्ण ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आगामी में आमरण अनशन में जरूर करूँगा सर आपके माध्यम से, क्योंकि ये तानाशाही है, सीधे सीधे हमारा आहित किया जा रहा है। सर, समझ रहे हैं आप, एक परिवार है जिसमें वृद्ध माता पिता है और माध्यम सिर्फ ये नौकरी है उनके लालन पालन का, उनके खर्चों को चलाने का। शायद हमारा उद्देश्य छात्रों को शिक्षा देने का था, जो बेहतर तरीके से इन्होंने काम किया है वो दर्शाते हैं उन छात्रों के परिणाम, विगत कुछ दिनों पूर्व ही आपने देखे हैं। यदि वो शिक्षा बेहतर मिल रही थी, यदि छात्रों को अच्छी शिक्षा दी जा रही थी, काम कर रहे थे, तो नई भर्तियाँ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि यदि नई भर्ती ही कुछ नॉर्म्स ऐसे थे कि आपको भर्ती प्रक्रिया के अनुसार ही जाना था, तो पहले फिर उन्हें आश्वासन ऐसा क्यों दिया गया है जिसके माध्यम से इन्होंने भी कई सारे सपने देखे थे अपने लालन पालन के, अपने परिवार के, अपने बच्चों को पढ़ाने के, क्योंकि शायद इस रोजी रोटी के सहारे ही उन्होंने वो सपने देखे थे जो अब खतरे में पड़ चुके हैं। मेरे साथ कुछ मातृशक्तियाँ भी मौजूद है, तरीके का महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब तो आपकी सेवा समाप्त हो गई है, महोदया ने भी अंदर से यही कहा है, लगता है कुछ आगे कानूनी प्रक्रिया में जब जाएंगे तो कुछ राहत मिलेगी? अब जब हम धरने में बैठे हैं तो हमें डिसाइड किया है, तो ये करो या मरो की लड़ाई है। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, तो हम लड़ेंगे अपने हक के लिए। कोर्ट में हम गए हैं, कोर्ट का हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि हमारा साथ देगा। कारण क्या मानते आप, क्या रहा होगा ऐसा कारण जब आप पूरी तरीके से शिद्दत से बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, पढ़ाई उनके पढ़ाई में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बावजूद उसके भी इस तरीके का या तो पहले आश्वासन ना देते और आश्वासन दिया है तो एकदम से ये आदेश दे देना कि आपकी सेवा समाप्त हो जाती है, क्या कारण रहा होगा? सर, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना था, हमने आज तक सिर्फ बच्चों को पढ़ाया, पीछे क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो स्पष्ट कहना यही है कि हमारा उद्देश्य था बच्चों को शिक्षा देना और होना भी चाहिए। एक शिक्षक का उद्देश्य है बच्चों को बेहतर शिक्षा देना ही होता है, जो इन्होंने बखूबी निभाया भी, लेकिन उसकी सजा क्या मिली कि इनको एक आदेश आ जाता है कि आपकी सेवा समाप्त हो जाती है। अब ना जाने कब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे और इनकी जो मांगे है वो कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, क्योंकि तानाशाह सरकारों में कोई सुनता नहीं है। हालांकि उम्मीद जारी है क्योंकि इस देश में न्यायिक व्यवस्था है, इस देश में कानून व्यवस्था है, कई सारे रास्ते हैं। जो ये आदेश इनके है, जो कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं खंडन किया है, स्टेट की समिति भी जो कह रही है, सेंट्रल की समिति के परिप्रेक्ष्य में भी जो कोर्ट के जो आदेश है वो यदि दोबारा कोर्ट का रुख करते हैं तो शायद ऐसा ना हो कि वापस इनको जो है रखना पड़े। मैम, कुछ संविदा पर जो शिक्षक यहाँ पर कार्य कर रहे थे वो बाहर धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ पूरा प्रकरण है? जो हमारे संविदा शिक्षक थे वो 1 साल पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, 1 साल की उनकी संविदा थी और 30 मई को उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, और क्योंकि नेस्ट के द्वारा नए टीचर अपॉइंट कर दिए गए हैं, 1 जून को उनका लिंक जारी होकर के उनके अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज होने लग गए हैं, जल्दी हमारे नए शिक्षक आएंगे
तो और इन लोगों की संविदा ख़त्म हो चुकी है। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ इनके पास कोर्ट में जो आदेश सबमिट किया है सेंट्रल कमेटी के पर्पज से, और स्टेट कमेटी ने जो एक आश्वासन दिया था कि रेगुलराइज करेंगे या फिर इनको छेड़ेंगे नहीं, उसके बाद ऐसी क्या नौबत आ गई है कि नए शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ी है जब ऑलरेडी ये लोग यहाँ पर कार्य कर रहे थे? इस संबंध में तो समिति से ही आप संपर्क करें और उन्हीं से जानकारी आपको मिल सकती है। मैं एक बार दोबारा जानना चाहूँगा, अगर ये इस समस्या का समाधान यहाँ से नहीं निकलता है और कल की डेट में जैसा हमें सूचना मिली है कि टीचर आने वाले हैं वो आ जाते हैं, क्या नए तरीके से आप कोर्ट का रुख करेंगे? अभी हमने जो निर्णय हमें तुरंत हटाने का लिया है, पहले तो हमने उसके अगेंस्ट अपरेट फाइल की है, तो उसकी भी कल तक सुनवाई हो जाएगी। तो एक तो हमें पूरा भरोसा है क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ भावनाओं पर आधारित नहीं है, हमें आश्वासन मिले हैं और वो लिखित में आश्वासन मिले हैं, उसके लिए बाकायदा जो समिति जिम्मेदार है उसने निर्णय लिए हैं और उस निर्णय को वही समिति नहीं बदल सकती क्योंकि ऐसा न्याय भी कहती है, ऐसी कानून व्यवस्था भी कहती है। तो पहली बात तो हमें पूरा भरोसा है कि कल हमारे पक्ष में एक पहला प्राइमरी डिसीजन आ जाएगा और उसके बाद हम अपने रेगुलराइजेशन के लिए भी नेक्स्ट केस फाइल करेंगे जो कि हमें रेगुलराइज करेगा। तब तक यहाँ पर नियमित शिक्षकों की ज़रूरत है, बहुत सारी पद खाली हैं जिन पदों पर हमें ज़रूरत है शिक्षकों की, यहाँ पर बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है लेकिन वो हमारे पदों के अलावा हैं। इस विद्यालय में 51 पद सृजित हैं जिनमें लगभग 30 से 40 पद शिक्षकों के हैं, हम सिर्फ 17 लोग हैं और बाकी पद तो वैसे भी कई लंबे समय से खाली हैं, नियमित शिक्षक नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर शिक्षकों की ज़रूरत है, वो शिक्षकों का स्वागत है लेकिन जो हमारे पदों के लिए जो एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू जो भर्ती हो रही है उसको हम कदापि सहन नहीं करेंगे। और हमारा जब तक रेगुलराइजेशन नहीं होता है, और वो अब तुरंत होगा क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में सिर्फ 2 साल में संविदा शिक्षकों ने कार्य किया और 2-2 साल में उनको रेगुलराइज करके 3-4 बैच में रेगुलराइज हो चुके हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर भी तुरंत किया जाना चाहिए, यही हमारी मांग है और इसी के लिए हम आगे लड़ेंगे। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना इनको कि कहीं ना कहीं भरोसा है न्यायपालिका पर, भरोसा है कानून व्यवस्था पर, और जो इनके पास प्रोसेस है, जो इनके पास एविडेंस पूर्वक है वो एक मजबूती दर्शाता है, दोबारा उसी की राह पर चलेंगे, कानून के पास जाएंगे, न्यायपालिका के पास जाएंगे और पूरा आश्वासन है अंतिम आखिरी उम्मीद वही न्यायपालिका है और उन्हें भरोसा है कि वो न्याय इनके पक्ष में होगा। खास खबर देख रहे थे आप कालसी के एकलव्य आदर्श विद्यालय से, सहयोगी कैमरामैन मनोज चौहान के साथ दीवान नौटियाल की रिपोर्ट, बीसीपी न्यूज़ उत्तराखंड के लिए।